असलम वरहमल वरक क्लास नाइन के स्टूडेंट्स के लिए वेरी वेरी हेल्पफुल वीडियो है आपका पहला पेपर बायो का है बायो के मैंने प्रैक्टिकल सेंटर के आपका जो गेस्ट पेपर था उसका बायो का पेपर इसके एम सी क्यूज सॉल्व कर दिए हैं और साथ में एक और एम सी क्यूज़ हैं यूसिज़ वालों के उन्होंने पूरा मॉडल पेपर भी सॉल्व करवाया है और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज़ हैं ये ट्वेंटी फ़ोर एम सी क्यूज़ हैं ये भी और ये जो गैस पेपर है ये दोनों आपके साथ मैं शेयर करूंगा आपको एक्सप्लेन करूंगा स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करा दूं अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें इन शाला मैंने आपसे वादा किया था बोर्ड एग्जाम तक, तक आपके साथ हैं बोर्ड एग्ज़ाम तक आपकी रहनमई करते रहेंगे एंड तक आपके साथ हैं दुआएँ भी करेंगे और इन शाह आपको पूरा गाइड करेंगे थोड़ा सा मैं ये स्टार्ट करने से पहले ये बताऊँ कि आपने नाइन्थ के बच्चे पहली दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम में जा रहे हैं बायो आपका पहला पेपर है बायो वालों का कंप्यूटर वालों का पेपर तो हो गया है बायो वालों का ये पहला पेपर है तो सबसे पहले बेटा आपने घर से जब जाना है तो आपने एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ आपको पता ही है एडमिट कार्ड साथ लेके जाना है आपने अपना स्टेशनरी का सामान साथ लेके जाना है और जब आपने पेपर देना है आपके पास आंसर शीट आ जाए सबसे पहले आपने क्या करना है आपने उसके ऊपर अपना रोल नंबर लिखना है ये मैं अब हर वीडियो में आपको याद कराया करूँगा ताकि आपके ये जहन में बात बैठ जाए पेपर जब आपने सॉल्व करना है तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है अगर आपको क्वेश्चन जो आता है पहले आपने वो सॉल्व करना है एम का तरीका ये होता है कि आपने जस्ट एम का नंबर लिखना है और उसका जो सोलूशन है जिस तरीके से ये सामने आपके एम सी क्यूज़ तो इसके ये फोर ऑप्शन है ये ए बी सी डी तो इसका ये बी ठीक है तो आपने लिखना है बी और कोशिश करें साथ बी के साथ मेडिसन भी लिख दें तो ये ए सेक्शन ए हो जाएगा सेक्शन बी के अंदर जो सबसे पहले आपको क्वेश्चन आता है वो लिखना है लेकिन अगर जितना भी आपको अच्छा क्वेश्चन आता है आपने उसके टाइम उसको इतना ही टाइम देना जितना उसका राइट है ऐसा नहीं है कि आप एक क्वेश्चन बहुत लंबा लिख के आ जाएं और बाकियों के लिए टाइम ही ना बचे ये थोड़ा सा मैंने आपको पहले गाइड करना था कि आपने पेपर कैसे प्रेजेंट करना है पेपर प्रेजेंटेशन वेरी इंपॉर्टेंट होती है आपको बहुत अच्छा पेपर आता हो और आपने प्रेजेंट ना किया हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है बॉर्डर लाइन जो है वो आपने लेड पेन से नहीं लगानी है लेड पेन अलाउ नहीं होता कराची बोर्ड में इंक पेन अलाउ है जस्ट तो आपने इंक पेन जो है वो उससे लिखना है और जो बॉर्डर लाइंस हैं जो आपके हाशिए हैं वो आपने मार्कर से लगाना है ब्लू और ब्लैक जस्ट अलाउ होता है ब्लू और ब्लैक अलावा होता है आपने और कोई कलर यूज़ नहीं करना है याद रखिएगा लेड पेन से आपने पेन जो बॉर्डर लाइन नहीं लगानी है इंक पेन यूज़ करना है आपने बॉल पेन यूज़ नहीं करना है ये थोड़ी सी गाइड लाइन थी आपने पेपर के हवाले से कि आपने पेपर कैसे सॉल्व करना है उसके बाद ये जो प्रैक्टिकल सेंटर का था एम से हैं ये ये मैंने सारे सॉल्व कर दिए हैं देखें आपके सामने हैं ये अब मैं एक एक को पढ़ूंगा नहीं क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर आप तंग आ जाते हो आपने यहाँ से खुद देख लेने हैं ये पूरे इनका सोलूशन है जो एम सी क्यूज़ हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है इन शाह एमसीक्यूज़ एम सी क्यूज़ आपके इन्हीं में से बनेंगे ये वाले जो हैं और जो दूसरे मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ट्वेंटी फ़ोर एम सी क्यूज़ ये हैं ट्वेंटी फोर एम सी क्यूज़ ये होंगे और ट्वेंटी फोर एम सी क्यूज़ दूसरे वाले होंगे और कुछ इन दोनों में एम सी क्यूज़ कॉमन भी हैं कुछ एम सी क्यूज़ ऐसे हैं जो दोनों तरफ हैं यानी या कि इसमें भी हैं और दूसरे वाले में भी हैं दोनों में वो एम सी क्यूज़ हैं तो आपने ये दोनों अगर एम सी क्यूज़ कर लेते हो तो ये आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल होगी इन शाला तौर बोर्ड का पेपर पूरा इसी में से बनेगा ये प्रैक्टिकल सेंटर का मैं पूरा आपको दिखा देता हूँ जो सेक्शन बी भी, भी। सेक्शन बी के ये जो क्वेश्चन हैं ये और और जो लगे हुए हैं देखिए शॉर्ट वे ये तैयारी करने का मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को जो मैं करा रहा हूँ मैं आपको भी वही मशवरा दूंगा कि आप ये सारे क्वेश्चन करें एक ये आप सारे करें और एक मॉडल पेपर मैं आपके साथ शेयर ऑलरेडी कर चुका हूँ आप मॉडल पेपर पूरा करें इन शाह तब की हंड्रेड परसेंट तैयारी हो जाएगी शार्ट वे में तैयारी करने का यह तरीका होता है यानी कि इस पूरे सिलेबस को रिवाइज करने के लिए तो ये तकरीबन फोर्टीन फिफ्टीन ये सिक्सटीन क्वेश्चन इन्होंने दिए हैं इसमें और आ रहा है तो इसलिए ये ज़्यादा क्वेश्चन है आपने और सारे याद करने हैं क्वेश्चन तो उसके बाद जो आपका सेक्शन सी है उसके अंदर भी वैसे क्वेश्चन तो आपने टू अटैम्प्ट करने होंगे लेकिन ये इन्होंने एडिशनल क्वेश्चन दो दिए हैं आपने ये सारे करने हैं तो अगर आप ये सारा पेपर कर लेते हो उसके बाद आ गए आपके ये दूसरे यूसवीज वालों के ये यूसवी वालों ने एक किताबचा बनाया है मैं रिकमेंड तो ये करूँगा कि आप ये किताबचा ख़ुद ख़रीद लें इसके अंदर उन्होंने मॉडल पेपर जो नया मॉडल पेपर आपका आया था वो सॉल्व किया है मैं आपको ये कहूँगा कि इनकी बुक मार्केट में अवेलेबल है आप ये किताब ख़रीद लें ये सस्ती से डेढ़ सौ रुपये की है तो ये कराची बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है ये नया जो पैटर्न है उसके मुताबिक जो मॉडल पेपर आया था नया मॉडल पेपर आया था उसको उन्होंने सॉल्व करवाया लेकिन जैसा कि आप जानते हैं जो नया मॉडल पेपर आया है उसके अंदर एम नहीं थे ये एन एम सी क्यूज़ उन्होंने आपके बुक के अंदर से लिए हैं और पहले वाले मॉडल पेपर से लिए हैं ये एम सी क्यूज़ भी वेरी वेरी इम्पोर्टेंट हैं ये भी आपने सारे एम सी क्यूज़ कर लेने हैं ये एम सी क्यूज़ जो थे ये वाले एम सी क्यूज़ साइंस के हैं और आपने जो एम सी क्यूज़ करने हैं वो करने हैं ये मैं आपको दिखा रहा था कि ये कंप्यूटर वालों के थे और काफ़ी सारे कंप्यूटर का पेपर आप देख लें उसके अंदर से ही आया है आपने ये बायो के एम्स करने हैं ये ये जो बायो के एम हैं ये भी इन शाली काफ़ी सारे पेपर आपके इस इन्हीं में से बनेगा ये अगर यहाँ पे आपको प्रिंट सही समझ नहीं आ रहा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ये किताब अब आप खुद खरीद लें वरना इसको थोड़ा सा मैं आपको जब पी डी तो आप इसको खुद ही हाईलाइट करके देख लीजिएगा ये थोड़ी सी यहाँ पे शायद समझ ना आ रही हो ये तकरीबन ट्वेंटी ये भी ट्वेंटी फ़ोर एम सी क्यूज ही हैं तो इन शाला तै ये एम सी क्यू सारे जो हैं आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएंगे ये उनका पेपर है यूसिज़ वालों का जो यूसविज़ जिन्होंने आपके ऑलरेडी जो आपके आपके लिए टेन ईयर सॉल्व ईयर भी ये प्रोवाइड करते हैं तो उनकी तरफ से ये दिया गया है यूसवीज़ वालों का न्यू मॉडल क्वेश्चन पेपर जो था ये पूरा सॉल्व है अगर आप इसमें मैंने सिर्फ पी डी आपको एम की ये फ्रह कर रहा हूँ अगर आप ये देखना चाहें तो ये ये पूरी बुक है जिसके अंदर आपका पूरा मॉडल पेपर जो है वो सॉल्व है ये यूसवीज़ वालों का है और ये वाले ये कंप्यूटर का था जो ऑलरेडी पेपर हो चुका है और ये जो गैस पेपर है ये सॉल्व गेस्ट पेपर है प्रैक्टिकल सेंटर का तो ये इस तरीके से इन शाह कोशिश करूँगा कि सारे जो सब्जेक्ट हैं तमाम सब्जेक्ट की वीडियो इसी तरह अपलोड होंगी सोल्यूशन वीडियो होंगी एम सी क्यूज़ में पूरे सॉल्व कराऊँगा बाकी आपके पास जो ऑलरेडी मौजूद हैं नोट्स मौजूद हैं आप वहाँ से याद कर सकते हो एम सी क्यूज़ का आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि आपको चुनने पड़ेंगे ढूंढने पड़ेंगे तो मैं एम सी क्यूज़ हर सब्जेक्ट के इन शाह तल इसी तरीके से क्लास नाइन एंड टेन कराची बोर्ड जो आपके बोर्ड एग्ज़ाम हो रहे हैं उसके लिए अल्लाह ताली आपका नासिर हो आपने तैयारी करके जाना है अल्लाह तला पे भरोसा करके जाना है घर से जब निकलना है तो या वासी या वासी या वासी पढ़ते हुए जाना है रबरखली सदरी वयसरली अमरी वखलोलकदत मिलसानी यफ़ुकौली ये पढ़ते हुए जाना है वालदन से दुआएँ ले के जाना है अपने वालदन से जाते वक्त दुआएँ ले कर जाना है अल्लाह ताली आपका हामी मनासर हो अल्ल हाफ़